वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी जो है घर का खाना खाते खाते बोर हो गए होंगे। सभी को कुछ खाना होता है तीखा, चटपटा और मीठा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक धमाकेदार वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं आज आपको बनाना बताऊंगी हमारी मीठी और रसीली जलेबी। और साथ ही साथ मैं आज आपको बनाना बताऊंगी अजमेर की फेमस साखे कढ़ी और उसके साथ खाने वाली धनिये की चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये रेसिपी जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ये अजमेर की फेमस रेसिपी है। जो भी अजमेर में आता है ये खाए बिना नहीं रह सकता है। कढ़ी कचौरी की रेसिपी तो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज साखे कढ़ी और चटनी और साथ ही साथ कुछ मीठा हो जाए तो जलेबी की रेसिपी भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 1 कप हमें चाहिएगी मैदा। मैदा को हमें अच्छी तरह से छान के लेना है। 1/3 कप मैंने यहाँ पर लिया है खट्टा दही। दही खट्टा होना चाहिए, इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो ये हम मैदा में डाल देते हैं और एक बार हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे कि मैदे में लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छी तरह से हमें इसका बैटर तैयार करना है। इस तरह देख के बैटर जो है हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी ऐड किया था और इस तरह का हमें बैटर तैयार करना है। बिल्कुल रबड़ी होती ना, बिल्कुल वैसे हमें इसका बैटर चाहिए। बिल्कुल इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। इस तरह आप देख सकते हैं। तो इसको अब हम ढक के रख देते हैं। तो जलेबी का बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैदे की साखे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2.5 कप मैदा। 1/2 कप इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। ये बारीक सूजी है, ये हमें इसमें ऐड करना है। इससे जो हम साखे बनाएंगे बहुत अच्छी क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1 टीस्पून ही हमें इसमें ऐड करना है अजवाइन। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। तो 1/2 कप में इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। सभी को अच्छी तरह से हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। हमें इसका डो तैयार करना है, तो हम इसका टाइट डो ही लगाएंगे, जिससे जो है साखे जो है हमारे बेलने में आसानी रहेगी और बड़ी खस्ता बनेगी। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और उसका डो लगा लेते हैं। पानी को मैंने हल्का गर्म किया है, ये स्टेप बहुत जरूरी है। इससे साखे जो है बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनती है। इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हमें टाइट डो लगाना है। इस तरह देखिए डो जो है हमारा लग चुका है। इतना हमें डो लगाना है, ज्यादा लूज नहीं लगाना है। इस तरह का हमें डो लगाना है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। अब हम बनाएंगे कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप बेसन लिया है। इसको हमें पानी में घोलना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका जो है एक बैटर तैयार करेंगे हम। इस तरह का हमें बैटर तैयार करना है। बिल्कुल इसमें लम्स और गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब हम कढ़ी के लिए बघार तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून जो है तेल ऐड किया है। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम राई ऐड करेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है तो इसमें हम राई ऐड कर देते हैं। राई चटकने लग गई है तो 1 पिंच हम इसमें हींग ऐड करेंगे। हींग से जो है फ्लेवर अच्छा आता है। और जो बैटर हमने बेसन का और पानी का घोल के तैयार किया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। इस तरह हमें इसको एक बार कम फ्लेम पे ही हिलाना है। थोड़ा पानी हम और डाल देंगे। कढ़ी में पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डलता है। अब हम गैस की फ्लेम को तेज कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाले से जो है कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये आप जरूर डालें। गरम मसाले के अंदर जावित्री, जायफल, लौंग, काली मिर्च सब डले हुए रहते हैं, तो इससे जो है फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। कढ़ी में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक हमें इसको इसी तरह पकाना है। 3 से 4 मिनट हो गए, गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं और हम इसमें डालेंगे नींबू का सत यानी कि टार्ट्रिक। इससे जो है कढ़ी में खटाई अच्छी आती है और बहुत टेस्टी बनती है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक बहुत ही मेन चीज, तो वो है लौंगिया मिर्च
अब आप सोच रहे होंगे लौंगिया मिर्च क्या होती है। लौंगिया मिर्च जो है बड़ी आसानी से बाजार में मिल जाती है, लेकिन ये खाने में तीखी होती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है। जब हम किसी भी चीज में इसको ऐड करते हैं तो ये अब हम डाल देते हैं। तो 1 टीस्पून में इसमें लौंगिया मिर्च भी ऐड करूंगी और मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमें 2 से 3 मिनट तक कढ़ी को पकाना है। यदि आपको लगे कि कढ़ी जो है इसका बैटर थोड़ा टाइट है, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए हमें इस तरह का इसका बैटर रखना है, ज्यादा पतला भी नहीं करना है। 2 से 3 हरी मिर्च का मैंने यहाँ पर पेस्ट बनाया है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं और सभी को हम मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है, कम पे ही पकाना। आप देख सकते हैं कढ़ी का जो कलर आया है, बिल्कुल जो अजमेर की जो कढ़ी कचौरी होती है बिल्कुल उसी की तरह इसका कलर आया है। ये देखिए बिल्कुल ही सीक्रेट तरीके से मैंने आज आपको ये बनाना बताया है। 10 से 15 मिनट तक हमें इसको पकाना है कम फ्लेम पे। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमें लास्ट में ही डालना है, तो स्वाद अनुसार हमें इसमें नमक डालना है। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 10 से 15 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो गई है, कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और टेस्टी कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो ढककर अब इसे हम रख देंगे और जब भी हमें सर्व करना हो तो गरम करके हम इसको सर्व करेंगे। अब हम हरे धनिया की चटनी बनाएंगे। तो 100 ग्राम मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, उसमें 2 से 3 हरी मिर्च जो हमने कट की थी वो इसमें अब हम डाल देते हैं। ये है हींग 1 पिंच, हम इसमें हींग भी डाल देंगे, इससे जो खुशबू अच्छी आती है। अब इसमें हमें डालना है अमचूर पाउडर, तो ये अमचूर पाउडर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून, इससे जो है खटाई अच्छी आती है चटनी के अंदर, चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, तो 1/2 टीस्पून में इसमें नमक ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून से कम यहाँ पर मैं काला नमक ऐड करूंगी। काला नमक डालने से भी चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चटनी में मैं जीरा ऐड नहीं करूंगी, जीरा डालने से जो है चटनी हमारी काली पड़ जाती है, तो हमें बिल्कुल ग्रीन चटनी चाहिए, तो हम इसमें जीरा ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको हम पीस लेते हैं मिक्सी में और बिल्कुल हमें इसका बारीक पेस्ट तैयार करना है। धनिया की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना, बहुत ही टेस्टी और अच्छी चटनी हम बनाकर आज तैयार करेंगे। ये चटनी हम किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पकोड़े के साथ, कढ़ी के साथ, समोसा, कचौरी, पराठा, किसी के साथ भी हम ये चटनी सर्व कर सकते हैं। चटनी जो मैं बता रही हूँ ये चटनी जो है हमारी काफी टाइम तक यानी कि महीने भर तक खराब नहीं होगी। जब ये ठंडी हो जाए तो एयरटाइट कंटेनर में भर कर आप इन्हें रख दें। तो अब हम चटनी बनाते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पर इमली ली है, जो सूखी इमली आती है वो इमली मैंने यहाँ पर ली है और इसको मैंने नॉर्मल पानी में भिगो दिया है 1 घंटा। 1 घंटा भिगोने के बाद जो इमली इस तरह हो गई है, अच्छी तरह से मैंने इसको धो भी लिया था। इमली में हमें मसाले ऐड करने हैं, तो यहाँ पे मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1/3 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सेका हुआ जीरा, ये मैंने अधकचरा किया हुआ जीरा है। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, गरम मसाला डालने से ये फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हींग, 1 पीच हम इसमें हींग डाल देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सूखा पुदीना। पुदीने को कैसे सुखाते हैं इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये पुदीना जो है काफी समय तक यानी कि 2 से 3 साल तक खराब नहीं होता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 कप डालेंगे हम इसमें शक्कर, क्योंकि हमें खट्टी मीठी चटनी बनानी है तो हमें शक्कर तो इसमें डालनी ही पड़ेगी। तो इसमें अब हम डालते हैं 1 कप शक्कर, आप चाहे तो शक्कर की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्सी में इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। चटनी को जो मैंने है छान के और इस बाउल में ले लिया है, अब हमें एक स्टेप और करना है। हमें इस तरह की गाढ़ी चटनी ही रखनी है, पतली नहीं करनी है। चटनी को गैस पे हमें 2 से 3 मिनट तक हमें गर्म करना है। तो चटनी को गैस पे मैंने रख दिया है, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, चटनी अच्छे से गर्म हो गई है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब चटनी ठंडी हो जाएगी तो आप इसको एयरटाइट कंटेनर में भर कर इसको आप काम में ले सकते हैं, महीने भर तक ये खराब नहीं होगी। तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद।
हमने कढ़ी भी बना ली, धनिये की चटनी भी बना ली और इमली की खट्टी मीठी चटनी भी हमने तैयार कर ली। अब हमें शाखे तैयार करनी है जिसका डो हमने लगा कर रख ही लिया था। तो ये डो भी जो है हमारा सेट हो गया है। इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं। शाखे को बहुत जगह निमकी भी कहा जाता है, सब जगह इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको शाखे ही बोलते हैं। कढ़ी कचौरी के साथ हम शाखे ही खाते हैं। तो डो को हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके हम बड़ी बड़ी लोई बना के रखेंगे। इसको हमें बहुत बड़ा बेलना है, तो इस तरह हम इसको डिवाइड कर देंगे। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, मैं छोटा ही वीडियो बनाना पसंद करती हूँ ताकि आप लोग जल्दी से समझ सकें और ज्यादा टाइम भी किसी के पास नहीं होता है। तो मैंने सारी लोइयाँ बना दी है। अब इनको मैं चकला बेलन पे बेलूंगी। तो एक लोई को हम उठाएंगे और गोल गोल हम कर लेते हैं इस तरह, जिस तरह हम रोटी की लोई बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह हमें इसको गोल गोल करना है। तो सभी लोहे को हमने यहाँ पे गोल कर लिया है। थोड़ा सा हम इस पे चिकनाई लगा देंगे ताकि इस पे पपड़ी नहीं आए। तो थोड़ा सा मैं इस पे तेल लगा देती हूँ ताकि इस पे पपड़ी नहीं आए बेलते समय। और इसको अब हम ढक के रख देंगे और एक लोई को हम लेंगे, बाकी को हम ढक के रख देते हैं। अब इसको हम बेलेंगे। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उस तरह हमें इसको बेलना है, ज्यादा पतला नहीं करना है हमें इसे। इस तरह हमें इसको बेलना है, ज्यादा हमें पतला नहीं करना है। इसको अब हम नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। तो हमें ज्यादा जो है चौड़ा नहीं करना है कट, इसको लंबा और पतली पतली स्ट्रिप इसकी हमें कट करनी है। जिस तरह शाखे की होती है बिल्कुल हमें उसी तरह इसको हम कट करेंगे। इस तरह पतली और लंबी करेंगे हम इसको कट। अब इसको हम लंबा ही रखेंगे, ज्यादा हम इसमें पास पास कट नहीं करते हैं, इस तरह लंबा ही रखना है। इस तरह सभी को हम बना लेंगे। इस तरह हमें सभी को कट करना है। बड़ी आसानी से ये उड़ जाती है। तो एक प्लेट में हम इसको फैलाते जाएंगे और दूसरी हम करते जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने प्लेट में दो से तीन लोई की बनाकर रख ली है। जब तक हम इनको फ्राई करते हैं, ये फ्राई होगी तब तक हम दूसरे के भी बना के रख लेंगे। गैस पे मैंने पैन रख दिया है और तेल इसमें डाल दिया है। गैस की फ्लेम को हमें फुल रखना है और अच्छी तरह से हमें फुल फ्लेम पे जो है तेल को गर्म होने देना है। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए फिर ही हम इसको फ्राई करेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है तो धीरे धीरे करके हम एक एक इसमें डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे। सभी को मैंने डाल दिया है, अभी हमें इसको छेड़ना नहीं है। एक मिनट बाद ही हम इसको पलटेंगे। एक मिनट हो गया है, इसको हम हिला लेते हैं और कम फ्लेम पे हमें इनको अब फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। साके हमारी फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इस तरह हमें इसको फ्राई करना है और सभी को हम निकाल लेंगे और उसी तरह हमें फुल फ्लेम पे जो है दूसरे राउंड को करना है। बाद में हम गैस की फ्लेम को कम करके उन्हें उलट पुलट करके सेक लेंगे। बहुत अच्छे साके बनी है, आप देख सकते हैं, आवाज आप सुन सकते हैं। इस तरह सभी को फ्राई करना है। इस तरह सभी को फ्राई करना है। जब तक साके फ्राई होती है हम चाशनी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कप शक्कर ली है और एक कप इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम फुल कर लेते हैं। दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक हमें गैस की फ्लेम को फुल ही रखना है। जिस भी कप से हम नाप ले उसी से हमें पानी, उसी से हमें शक्कर नापनी है। हमें इसकी गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना ही पकाना है कि हल्का सा चेप आ जाए। हमें कोई इसमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। 1 टीस्पून हम चाशनी में दूध ऐड कर देंगे ताकि जो इसमें शक्कर की जो गंदगी होती है वो ऊपर झाग के रूप में आ जाएगी और ये झाग हमें निकाल लेने हैं। इस तरह हम इनको निकाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस डालने से जो है चाशनी हमारी जमेगी नहीं। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि जब चाशनी ठंडी होने लगती है तो एक शक्कर की सी जो परत जो है वो जमने लग जाती है, लेकिन हम लेमन जूस डालेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जलेबी का जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फूड कलर डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप केसर के ट्रेड भी डाल सकते हैं 7-8।
वो भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे फ्लेवर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हमें इसमें तार नहीं बनाने हैं, आप देख सकते हैं ये ड्रॉप्स जो है वन वन करके जो है थिक हो गई है और धीरे धीरे जाके गिर रही है, ये देखिए हल्का हल्का चेप आ रहा है, बस हमें इतना ही लाना है। गैस की फ्लेम को अब हम कर देते हैं बंद और चलते हैं जलेबी की ओर। जलेबी का बैटर भी हमारा तैयार हो गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर बना है। ये हम इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून में इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। देखिए अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है, ये घोल हमें अभी बनाया है इसलिए हमने इसमें बेकिंग पाउडर मिलाया है। हम ये इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं, जब भी खाने की इच्छा हो तो गर्मा गर्म 5 मिनट में हम जलेबी कैसे बनाएंगे तो वो मैं आपको बनाना बता रही हूँ। इसको हमें रखना नहीं है, बस बैटर तैयार किया और बेकिंग पाउडर मिक्स करके हमें इसको बना लेना है। इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए, बिल्कुल रबड़ी के जैसा आप देख सकते हैं। तो इसको अब हम फील करेंगे। इस तरह की बोतल है मेरे पास, इसमें मैं बैटर को डालूंगी। ये बोतल जो है मार्केट में आसानी से मिल जाती है तो इसमें हमें बैटर को भरना है। तो बोतल में मैंने फिल कर लिया है, इसको अब हम कर देते हैं बंद और चलते हैं कढ़ाई की ओर। पैन में मैंने घी डाल दिया है, जलेबी घी से ही अच्छी और टेस्टी बनती है तो जलेबी आप घी में ही बनाएं। गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे और घी को हम मेल्ट होने देते हैं। घी अच्छा गर्म होएगा तभी हमें इसमें जलेबी डालनी है कम फ्लेम पे, और हमें इस तरह की चौड़ी पैन लेनी है। गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं और अब हम बनाएंगे। इस तरह हमें बीच से लेते हुए इसको राउंड राउंड करते हुए हमें इसको वापस बंद करना है। लास्ट के कॉर्नर को हमें खुला नहीं छोड़ना है वरना जलेबी जो आपकी बिखर जाएगी, जितनी आएगी उतनी ही हमें इसमें डालनी है। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से बन जाती है। जलेबी जो हमारी सिकने लग गई है, अब इसे हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, कितना अच्छा जो है खमीर उठा है इसमें। इस तरह एक एक करके हमें सभी को पलटना है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको सेकना है। अब हम निकाल लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी जलेबी हमारी बनकर तैयार हुई है। इस तरह हम सभी को निकाल लेंगे। ये राउंड भी हमारा हो चुका है। इस तरह हमें सभी जलेबी को फ्राई करके रखना है। चाशनी को मैंने बाउल में डाल दिया है, कुछ केसर की पंखुड़ी भी मैंने इसमें डाल दी है। अब गरम गरम जलेबी को हम चाशनी में डालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जलेबी हमारी बनकर तैयार हुई है और अच्छी तरह से हम इसको चाशनी में डीप कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी जलेबी हमारी बनकर तैयार हुई है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ एक जलेबी को, बहुत ही गर्म है जलेबी तो इसको अब हम तोड़ेंगे, आवाज आप सुन सकते हैं। इस तरह हमें जितनी खानी है उतनी ही जलेबी हम चाशनी में डालेंगे, बाकी की जलेबी को जो है हम एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे। जब भी खाना हो तो हम चाशनी को गर्म करके और जलेबी डालेंगे और गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सारी तो हमारी साखे बनकर तैयार हुई है, कड़ी भी हमारी कितनी टेस्टी बनी है और चटनी भी आप देख सकते हैं। तो घर पे जो है हम झटपट इन्हें बना सकते हैं, कोई ज्यादा टाइम भी हमें बनाने में नहीं लगता है। तो अब हम सभी को सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर प्लेट ली है और जो साखे हमने बनाई थी वो इस प्लेट में हम इस तरह रखेंगे। अब गर्मा गर्म कड़ी को हम साखे के ऊपर डालेंगे इस तरह। अब हम डालेंगे धनिये की चटनी। अब हम डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। वाह, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, अब तो मेरे से रहा भी नहीं जा रहा है। तो ये चटपटी प्लेट हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम सर्व करते हैं जलेबी को। बहुत ही रसीली और जूसी हमारी जलेबी बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी जलेबी हमारी बनी है।
तो कितना अच्छा टेस्टी और शानदार नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने ये शानदार नाश्ता कब बना रहे हैं। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।